नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप कोई फाइल डिलीट कर सकते हैं अगर आपसे वो डिलीट नहीं हो रहा है सिस्टम में। तो मतलब उसका एट्रीब्यूट मतलब ज़बरदस्त तरीके से सेट किया गया है कि मतलब किसी भी तरीके से वो डिलीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे फाइल को डिलीट करने के लिए उसका एट्रीब्यूट हटाना पड़ता है, जो मुश्किल मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है नॉर्मली। तो हम एक तरीका बताएं, मतलब है एक तरीका जिससे कि आप बेसिकली डिलीट कर सकते हैं। तो पहला यह है कि आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, मतलब उसका नाम है फाइल एसेसन। पता नहीं किसका प्रोडक्ट है, नाम हाँ मालवेरा बाइट का प्रोडक्ट है ये, बेसिकली उसी का है। तो इसको डाउनलोड करके बेसिकली आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये देखिए मेरा मालवेरा बाइट फाइल एसेसन, उसके बाद मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये रहा वो मालवेरा बाइट फाइल एसेसन, उसके बाद इसको परमिशन दे देते हैं। ये कुछ इस तरीके का एकदम सिंपल इंटरफेस खुलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ड्रैग करके वो फाइल को यहाँ पे लेके आ जाना है और यहाँ पे छोड़ देना है। मान लीजिए कोई भी फाइल, जैसे ये फाइल है ये, ठीक है, इसको हम ड्रैग करके यहाँ लाएँ, ये नहीं ले रहा है मतलब। तो यहाँ पर जाके आप मैनुअली भी जा सकते हैं, ठीक है, मैनुअली भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी फाइल हो। फाइल एसेसन, उसके बाद मैनुअली सेलेक्ट करने के बाद जो है सो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे है अटेम्प्ट फाइल एसेसन मेथड। तो ये बेसिकली काम नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि इसमें बेसिकली नहीं काम करेगा आपके ये वाला जो ऑप्शन है। क्योंकि जनरली वायरस अगर आप डिलीट करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि टेम्प्ररी फाइल में होता है वायरस, वो अगर डिलीट करने की कोशिश कीजिएगा तो डिलीट नहीं होगा इस मेथड से भी उसमें, क्योंकि पता नहीं क्यों होता है, नहीं होता है मतलब ज़बरदस्त तरीके से, कितना भी कोशिश कीजिएगा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है यूज़ डिलीट ऑन विंडोज़ रिबूट फंक्शन, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है। और उस फाइल तो सेलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद ओके कर देना है, एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना है। जब रीस्टार्ट होगा तो सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद जब ऑन होगा सिस्टम, तो आपका वो डिलीट हो चुका होगा, ठीक है। तो उसके बाद डिलीट हो चुका होगा और उसके बाद क्या जो भी वायरस वायरस था वो हट गया होगा, ठीक है। तो धन्यवाद देखने के लिए।